Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, आज शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों के सीरीज में ये पांचवा और आखिरी एपिसोड है, जहां पे मैं आपको और वो दो नाम बताऊंगा जिनकी मुलाकात एसआरके से मन्नत में हुई, एंड अबाउट सम सीक्रेट्स ऑफ मन्नत, जो कि आप जितने भी फैंस हैं वो सुन के काफी खुश होंगे, काफी एक्साइटेड हो जाएंगे कि किस तरह से शाहरुख खान, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, किसी को भी दूसरी निगाहों से, यानी कि एक ऊंची नीची निगाहों से नहीं देखते हैं, सबको लेवल पे रख के देखते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ किंग खान शाहरुख खान। चले गए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हाँ, ऐसे और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने शाहरुख खान के साथ मीटिंग की, चाहे वो उनका रेड चिलीज का ऑफिस हो, चाहे वो मन्नत हो, या फिर कभी वो बाहर जाते थे वहां पर, आउट ऑफ इंडिया वहां पर हो, लेकिन गाइस वो सारी चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई, यानी कि उनका आगे कोई भी अंजाम नहीं हुआ, इसीलिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो गाइस आज का फाइनल एपिसोड है, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, अब जो पूरी लिस्ट है एसआरके की फिल्मों की वो भी पूरी मीडिया में आ चुकी है। इट्स गोना बी हिरानी, इट्स गोना बी सिद्धार्थ आनंद, राज एंड डीके एंड एटली, एंड अब आज के एपिसोड में और दो नाम लूंगा जिनकी बातें शाहरुख खान से हुई थी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। द फर्स्ट नेम इज नन अदर देन मिस्टर आशिक अबू। आशिक अबू, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। अगर आपको नहीं पता, आपको बता दूं, मैं पहले अपने चैनल पे हर एक मलयालम फिल्म का रिव्यू करता था। तब मैं बैंगलोर में रहता था, तभी एवरी मलयालम फिल्म आई यूज टू वॉच यू नो इन अ हाउसफुल थिएटर एवरी फ्राइडे नाइट, क्योंकि मलयालम सिनेमा इज समथिंग यू शुड नॉट मिस। आजकल के रिव्यूअर, आजकल के बच्चे आए तो मलयालम रिव्यू देते हैं, यू नो, देख देख के फिल्में, तीन तीन साल चार चार साल पुरानी फिल्में हम उनको थिएटर में देखा करते थे, एंड उनकी जितनी भी फिल्में हैं आई हैव लव्ड हिज फिल्म्स, राइट फ्रॉम डैडी कूल टू सॉल्ट एंड पेपर, इदू की गोल्ड, काफी अच्छी फिल्में बनाते हैं आशिक अबू, इवन इज फिल्म गैंगस्टर। एंड गाइज आशिक अबू अलॉन्ग विद नेशनल अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट राइटर श्याम पुष्करण, ये दोनों व्यक्ति अलॉन्ग विद अ सेलिब्रिटी कोऑर्डिनेटर जिनका नाम है शनीम जैद साहब, अभी फिलहाल प्रोडक्शन में भी आ चुके हैं वो, इन तीनों के साथ यू नो मन्नत में शाहरुख खान की मुलाकात हुई। वेल फ्रेंड्स, अब स्टोरी इस प्रकार की थी कि ये फिल्म एक ड्रामा फिल्म है, एंड इसकी प्लॉट के बारे में अब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन दिस फिल्म वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन इमोशंस एंड ड्रामा। ये फिल्म के बारे में इनकी मीटिंग दिसंबर के महीने में हुई थी। यस फ्रेंड्स, दिसंबर 2019 में इन लोग मिले थे, एंड वहां पर जो डायरेक्टर है आशिक अबू, उनकी लेटेस्ट फिल्म आई थी वायरस करके, ओके, वायरस नामक एक फिल्म आई थी। अब ये जो आशिक अबू है ये यूएसए से आए मुंबई, मुंबई में इन्होंने इच्छा यू नो प्रकट की कि हमको जाकर शाहरुख खान से मिलना है, एंड शाहरुख खान ओब्लाइज। ढाई घंटे की मीटिंग थी इनकी मन्नत में, एंड सब कुछ अगर सही होता तो ये आशिक अबू की फर्स्ट फिल्म होती जो कि बॉलीवुड में बनाने वाले थे। अब गाइज अकॉर्डिंग टू आशिक अबू, ओके, आशिक अबू कहते हैं कि ये फिल्म जो शाहरुख खान के साथ है वो दिसंबर 2020 में वो स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि आने वाले दिसंबर 2020 में वो फिल्म स्टार्ट करेंगे। अब इसके बारे में मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन आई हैड नो इन्फो, लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये फिल्म इस स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं भी फिट नहीं होती, तब इनकी फिल्म शायद नहीं बने, या फिर एसआरके एक बड़ी फिल्म करने के बाद बीच में इनकी फिल्म यू नो घुसा दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आशिक अबू दिसंबर 2020 में वो ये फिल्म स्टार्ट करने वाले हैं। अब बहुत लोगों की अटकलें आने लगी कि एसआरके रीमेक्स करेंगे। गाइस आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, एसआरके विल नेवर डू अ रीमेक, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो रीमेक्स में विश्वास रखता है, यू नो ओरिजिनलिटी एंड एसआरके गो हैंड इन हैंड। तो ये उम्मीद मत रखना कि एसआरके कभी रीमेक करेंगे, वो कभी भी एक रीमेक नहीं करने वाले हैं, ये एक मलयालम फिल्म का रीमेक नहीं है, ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। एंड जब भी आशिक अबू एंड श्याम पुष्करण ये दोनों की जोड़ी आई है स्क्रीन पर, चाहे वो माया नदी हो या 22 फीमेल कोटायम हो, 22 फीमेल कोटायम नहीं देखा है जाके देखिए, उसके क्लाइमैक्स में आपका हवा टाइट हो जाएगी, क्या होता है उस बंदे के साथ, काफी अच्छी फिल्म है। तो ये एक मीटिंग है आशिक अबू के साथ जो कि एसआरके ने की थी मन्नत में। अब गाइस मन्नत की सबसे बड़ी सीक्रेट ये है कि जब भी एसआरके किसी को मन्नत में बुलाते हैं तो उनका स्वागत भव्य तरीके से होता है। अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो तो उसके शानो शौकत में तो पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाती है, पूरा टेरेस पे पार्टी हो जाती है, लॉन में पार्टी होती है। कोई भी बड़ा सिंगर, कोई बड़ा एक्टर अगर शाहरुख खान को पसंद आया, यानी कि वन ऑफ हिज फेवरेट्स है, तो सीधा कॉल जाता है उनकी टीम जो है, उनकी मैनेजर जो है पूजा डडलानी जी, जो तो काफी स्वीट है, वो उनके पूरे अरेंजमेंट करती है। इंडस्ट्री में जितनी भी फ्रेंड्स है, संजय कपूर एंड हिज फैमिली, चंकी पांडे, करण जौहर, इनका पूरा एक यू नो
फ्रेंड सर्कल है वो सारे के सारे आते हैं। अब गाइस कोई बड़ा डायरेक्टर जब आता है मन्नत में, तो शाहरुख खान कभी उन्हें अपनी लाइब्रेरी में दैट बोर्ड्स ऑफ सम आउटस्टैंडिंग बुक्स, कई बहुत साल पहले यू नो शाहरुख खान की एक डॉक्यूमेंट्री थी जहाँ पे उन्होंने अपना घर दिखाया था मन्नत, बहुत बहुत बेहतरीन। हम लोगों ने तो मन्नत तब से देखा है जब मन्नत का सिर्फ आगे का बंगला था एंड पीछे की बिल्डिंग बन रही थी, तब से देखते हैं। एंड उनके मन्नत के एग्जैक्ट बाजू में जो लेन जाती है ऊपर चर्च की तरफ, वहां पर उनकी वैनिटी वैन पार्क रहती है। एंड उस जमाने में वैनिटी किसी के पास नहीं थी, SRK हैड इज वैनिटी राइट एट दैट टाइम। उनकी 555 नंबर की गाड़ी जब भी बांद्रा में दिखती है, 555 इज SRK फेवरेट नंबर, उनकी हर गाड़ी का नंबर 555 होता है। एंड हमेशा वो गाड़ी इन एंड आउट ऑफ बांद्रा जिप आउट होती है विगौरी खान के साथ, कभी उसमें यू नो आर्यन रहते हैं, तो वो गाड़ी काफी मशहूर है। तो शाहरुख खान हमेशा अपने डायरेक्टर्स को कभी लाइब्रेरी में, कभी उनके ऑफिस में, एंड द अवार्ड रूम इज टू डाई फॉर। फैन फिल्म में आप लोग का सौभाग्य था कि आपने उनका जो अवार्ड रूम है वो देखा, क्योंकि गाइस अवार्ड एंड शाहरुख खान आर हैंड इन हैंड। पहले शाहरुख खान एंड अवार्ड मतलब बेस्ट एक्टर का नाम आता था, बेस्ट एक्टर का जब अवार्ड आता है गाइस, हम लोग को बताता हूँ, आप लोगों में से किसी ने अवार्ड फंक्शन कभी अटेंड किया नहीं होगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जब आता है वो टाइम रहता है अवार्ड फंक्शन बंद करने का, सब उठ के निकलने की तैयारी करते रहते थे। एक जमाना था जब शाहरुख खान के लिए लोग यू नो एंड तक वेट करते थे कि अब SRK स्टेज पे जाएंगे, एंड सीरियसली कोई नहीं जाता था, कोई अवार्ड फंक्शन छोड़ के नहीं आता था। ये गाइस वैले रहती है, पार्किंग रहती है, गाड़ी किसी की आ रही है नहीं आ रही, सब लोग छोड़ छोड़ के जाते, सबको पता था यू नो अवार्ड किसको मिलना था। लेकिन जिस साल SRK को मिलता था अवार्ड, वो जान थी अवार्ड फंक्शन की, उनकी होस्टिंग, उनका परफॉर्मेंस, उनके यू नो स्पीचेस जो वो देते थे अवार्ड मिलने के बाद, इट वॉज एग्जेम्पलरी। सो गाइज अवार्ड रूम या फिर उनका रीडिंग रूम, यहाँ पे वो पढ़ते अपनी किताब है, यहाँ पे डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। एंड इसी रूम में एक डायरेक्टर है जिनकी तारीफ में मैं कितनी भी अगर पुल बांध दूं तो वो कम पड़ेगा, उनका नाम है वेट्रीमारन। वेट्रीमारन इज अ लेजेंड मैन, आई होल्ड वेट्रीमारन इन रियली हाई रिगार्ड्स इन माई फेवरेट डायरेक्टर्स लिस्ट यू नो। एंड उनकी जो दो फिल्में हैं, एक तो विसारन है एंड एक असुरन, बहुत ही बहुचर्चित फिल्में हैं, उनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अपने चैनल पर मैंने विसारन आई फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिव्यू किया था, वो टाइम पे तमिल में देखकर, बहुत पुराना आई थिंक 2016 का रिव्यू है मेरा, जाके चेकआउट कीजिए उसको, आई थिंक इंग्लिश में दिया हूँ वो टाइम पर मैंने। एंड असुरन का रिव्यू लास्ट ईयर मैंने किया, दीज आर लेजेंडरी फिल्म्स। आदु कालम आई थी तब मुझे तमिल इतनी नहीं आती थी, तो मैंने बस नहीं समझते हुए देखा, बाद में जब मुझे तमिल आने लगी तब मैंने आदु कालम वापस से देखी। एंड वाडा चेन्नई, दीज आर मास्टरपीस फिल्म्स। अब ये जब गए SRK से मिलने के लिए, तब लोगों में अटकलें आ गई कि वेट्रीमारन के साथ शाहरुख खान करने वाले हैं द रीमेक ऑफ असुरन। असुरन धनुष की फिल्म है, साउथ में बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म है। एंड अभी वेंकटेश यानी कि वेंकी मामा, विक्ट्री वेंकटेश, इसे तेलुगु में करने वाले हैं। एंड अगर SRK, आई विल टेल यू वन थिंग, इफ शाहरुख खान डज दिस फिल्म इज गोना बी क्रैकिंग, ही इज गिलेट मैन। काफी शक्ति ऐसा रोल है, शक्ति में जो शाहरुख खान ने यू नो ऐश्वर्या राय को यू नो डांस करता है, बाद में करिश्मा कपूर लोगों को बचाता है, उसके तरह का रोल है, लेकिन थोड़ा सीरियस लेवल पे। आई एम नॉट कंपेयरिंग बोथ द फिल्म्स। शक्ति वो टाइम पर लोगों को बहुत ओवर द टॉप लगी थी कि शाहरुख खान हैंग कर एंड ऑल दैट स्टफ। आई बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट टू यू, शक्ति का जितना भी कलेक्शन आया था ना, वो इश्क कमीना गाने की वजह से आया था और शाहरुख खान की वजह से आया था। मुंबई में जितने बड़े बड़े सिंगल स्क्रीन्स थे वहाँ पे करिश्मा कपूर का फोटो इतना था, शाहरुख खान का फोटो इतना लंबा था, वो द स्टार उनके नाम पर फिल्में चला करती थी। तो गाइस ये जब आए थे वहाँ पर, दो घंटे की मीटिंग हुई इनकी, एंड SRK ने उनको बहुत सारा टाइम दिया, उन्होंने फिल्म्स डिस्कस की, बहुत सारी फिल्म्स, धनुष की फिल्में यू नो, बाकी जितने साउथ के डायरेक्टर्स एक्टर्स उनकी फिल्में डिस्कस की। ये एक कैजुअल मीटिंग थी, तो ये दोनों के बीच में कोई भी फिल्म नहीं होने वाली है, तो वेट्रीमारन के साथ कोई भी फिल्म नहीं है। आशिक अबू के साथ एक फिल्म है जो आशिक अबू कहते हैं कि वो दिसंबर में शुरू करने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट कोई फिल्म नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स एंड बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स SRK से उन्होंने मुलाकात की, बीच में खबर भी आ रही थी कि मधुर भंडारकर की कोई फिल्म है जो वो करने वाले हैं, तो वो भी वो फिल्म नहीं होने वाली है। मधुर भंडारकर के साथ वो बोल रहे थे कि उनको सुनाएंगे ऑल दैट स्टफ, दैट्स नॉट हैपनिंग। सारे जहां से अच्छा वो फिल्म ऑलमोस्ट वो कर दिए थे, ऑलमोस्ट ही वॉज डूइंग दैट फिल्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उन्होंने कर दिया। सो गाइज फाइनली SRK सीरीज पे दिस इज द कंक्लूजन। इसके बाद तभी वीडियो बनेंगे जब ऑफिशियल उनका अनाउंसमेंट होगा। हाँ, बीच में जो न्यूज आएगी तो मैं जरूर आपको लाके दूंगा, लेकिन द लाइनअप सेज इट ऑल। इट्स राजकुमार हिरानी, सिद्धार्थ आनंद, राजन डीके, एटली, ये राजन डीके एंड एटली में से दोनों में से एक सिलेक्शन होगा। एंड ये फोर फिल्म्स लेकर SRK विल ब्लास्ट द इंडियन बॉक्स ऑफिस स्टार्टिंग
2020. हाँ, उनकी जो पहली फिल्म है और 2021 में रिलीज होगी. Yes, I hope ये एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे. एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए. जितना लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये एपिसोड पसंद आया नहीं आया हो. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. As always, सेव.